अंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और अल्लामा इकबाल ने एक पूरा बाप बांधा है, और पढ़े लिखों की मजलिस में पढ़े लिखे की बात करें तो फिर इस सब कॉन्टिनेंट में अल्लामा इकबाल से बड़ा लिखा तो कोई नहीं ना। अल्लामा इकबाल कहता है, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या अगर तू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। इकबाल कहता है, ओए नौजवान मुस्लिम, तूने कभी अपनी तारीख उठाई है? तूने कभी माजी के औराक खोल कर देखे हैं कि तू किन की औलाद है और तू क्या था और आज क्या बन के रह गया? इकबाल कहता है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाओ में ताज सरे दारा। इतना बड़ा साइंसदान जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते हैं, वो इसी मुआशरे से जन्म लिया और उसी ने पाकिस्तान को वो ताकत अता की और उस ताकत का हामिल बनाया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान आज पूरे आलम में कुफर की आंख में खटकता है। तो वो मेहनत, वो लगन, वो तरद्दुद और वो जोश और बलबले की जरूरत है। अगर इल्मी दुनिया और सारी चीजों में हम अगर लोगों के लिए मैदान खाली छोड़ देंगे और अपने बच्चों को पढ़ने का या आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हम अक्वामे आलम के मुकाबले में खड़े होंगे? अक्वामे आलम के मुकाबले में खड़े होने के लिए मेरे बाबा जी ने एक जुमला कहा था, वो बड़ा खूबसूरत है। हमने कहा, जी एक शख्स आया, उसने कहा कि बाबा मैं जर्मनी पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो बताएं मेरे लिए नसीहत क्या है? तो मैं सब पढ़े लिखों को, पूरे पाकिस्तानी, पूरी आलम उम्मत मुस्लिमा के पढ़े लिखों को कहता हूं कि जुमला अपने दिलों पे नक्श करो। बाबा जी ने कहा, हमें इल्म से, किसी भी तालीम से मसला नहीं है, मसला यह है कि दुनिया के जिस भी इल्म को जाके पढ़ो, जहां भी तालीम हासिल करो, साइंसदान बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, दुनिया के बड़े बड़े औहदों पर जाकर बैठ जाओ, लेकिन कहीं भी जाओ तो तुम्हें देखकर देखने वाला ये कहे कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है।